रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के सूक्ष्म जीव मरते जा रहे हैं। इनकी कमी से पौधों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा। इन सूक्ष्म जीवों को हम किसी जीती जागती प्रयोगशाला के रूप में देख सकते हैं, जहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को पौधों के लिए सहज उपलब्ध बनाया जाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि पौधे की जड़ों के पास ये जीव बहुतायत में पाए जाएं, ताकि सही वक्त में उचित आहार सुनिश्चित हो। सीड ट्रीटमेंट के प्रयोग से हम कुछ बायोफर्टिलाइजर्स के द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की सप्लाई बढ़ाते हैं, जिससे बेहतर जर्मिनेशन और प्लांट ग्रोथ हो। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। फॉस्फोबैक्टीरिया, जिसे हम आमतौर पर PSB भी कहते हैं, वह मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। यह पौधों को मिट्टी में मौजूद फॉस्फोरस उपलब्ध कराता है। एजोस्पिरिलियम और एजाइटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो सीरियल्स को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। दलहनी पौधे के सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें राइजोबियम और PSB जैसे बायो फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। 10 से 12 ग्राम बीज के उपचार के लिए 200 ग्राम राइजोबियम और 200 ग्राम PSB की जरूरत पड़ती है। एक आम माचिस डिब्बे में 10 ग्राम बायो फर्टिलाइजर लिया जा सकता है। इस आधार से हम अपने कुल बीज के लिए आवश्यक बायो फर्टिलाइजर का हिसाब कर सकते हैं। अब गुड़ और पानी का घोल बनाया जाता है। यह घोल बायो फर्टिलाइजर्स को बीज से बांधने का काम करती है। इसके बाद राइजोबियम और PSB को घोल में मिलाकर कल्चर तैयार किया जाता है। इस कल्चर को बीज के साथ अच्छी तरह मिला लिया जाता है। कल्चर लगे इन बीज को अब साफ छायेदार जगह में सुखा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर इसकी बोनी कर देनी चाहिए। सीरियल्स के सीड ट्रीटमेंट के लिए एजोस्पिरिलियम या एजाइटोबैक्टर और PSB का कल्चर यूज किया जाता है। 10 से 12 किलो बीज के लिए 200 ग्राम कल्चर की जरूरत पड़ती है। माचिस डिब्बे के 10 ग्राम के पैमाने के हिसाब से प्रयोग के अनुपात में बायोफर्टिलाइजर लिया जाता है। गुड़ और पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद इस घोल को सीरियल्स के बीज के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है, जिससे बीज पर कल्चर की परत पड़ जाए। कल्चर लगे बीज को साफ और छायेदार जगह में सुखा दिया जाता है। बेहतर नतीजे के लिए 24 घंटों में इस बीज की बोनी कर देनी चाहिए।